नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगा गुलाब के बारे में। जो अपन गुलाब खरीद के ले जाते हैं, बहुत बढ़िया फूल खिलता है, तो खिलने के बाद ऐसे लगता है कि और भी बहुत सारा पौधा बना लूं और अपने दोस्तों में या पड़ोसियों में दे दूं या फिर क्वांटिटी गुलाब का बढ़ा लूं बहुत सारा, और एक पौधे से बहुत सारा बना के या बहुत सारा घर को सजा लूं। तो आज मैं बताऊंगा गुलाब का कटिंग लगाने का नर्सरी सीक्रेट, जो आराम से आपके घर में कटिंग लग जाएगा दोस्तों। आप बहुत आसान तरीके से लगा लेंगे, आप बहुत बढ़िया से लगा लेंगे दोस्तों। जैसे आप गुलाब खरीद के ले गए, देखिए दोस्तों, तो सूखा डंगाल तो आप काटते ही हैं, उड़ाई वड़ाई करते ही हैं। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इसमें से डंगाल आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से आप काट के निकाल सकते हैं, ये आप कटिंग लग जाएगा। जब ये खिल जाए तो आप यहाँ से काट देंगे, फिर चाहे तो आप फूल खिलने के बाद आप यहाँ से काट दीजिए सूखने के बाद, फिर यहाँ से आप काट के डंगाल को लगा सकते हैं आप दोस्तों। कम से कम 8-9 इंच का गुलाब लगा सकते हैं। तो मैं गुलाब का डंगाल लाया हूँ, जो बहुत सारा मेरे पास गुलाब है उसमें से काट के लाया हूँ, आपको बता दिया हूँ किस टाइप काटना है, और इसको काट के बताऊँगा लगाने का तरीका। तो आप इतना काट दीजिए, कम से कम एक बीता करीब होना चाहिए गुलाब का पौधा, गुलाब का डंगाल एक बीता होना चाहिए दोस्तों, और थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ना मोटा ना पतला, मीडियम होना चाहिए दोस्तों। एकदम पतला भी रखने से पौधा खराब हो जाता है, तो ऐसे करके आप लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा मजबूत हार्डिंग पौधा लीजिएगा, नहीं तो कमज़ोर लेने से भी पौधा मर जाता है, तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। उसके बाद में इसमें मिलाना क्या है दोस्तों, ये मिट्टी ले लीजिएगा, खाली मिट्टी रहेगा और 80-20%, बाकी 80% मिट्टी रहेगा। इसको इसमें गोबर खाद मत मिलेगा, कंपोस्ट भी मत मिलेगा, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। कभी भी गोबर खाद नहीं मिलाना है, कंपोस्ट, पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। और इसमें क्या डाल के लगाना है, लगाने के बाद क्या डालना है सब बताऊंगा दोस्तों। देखिए एलोवेरा है, आप एलोवेरा ले लीजिए इसको करके, और इसमें एलोवेरा लगा लीजिए। जैसे एलोवेरा नहीं लगाते हैं तो आप इसका पाउडर भी आता है दोस्तों, फर्मस टूट पाउडर आता है, उसको आप ले सकते हैं, कटिंग एड करके आता है। और नहीं तो आप अगर मान लीजिए आप नहीं लगा पाए एलोवेरा, कटिंग एड नहीं लगा पाए, तो इसको आप ऐसे ही लगा दीजिए और उसके बाद उसमें पाउडर डाल दीजिएगा। मैं बताऊंगा कौन सा पाउडर डालना है, उसको भी डाल सकते हैं आप। जैसे साफ पाउडर डालना है तो उसको कर सकते हैं, और इसमें दिखाऊँगा कितना अच्छा तरीके से जड़ आ जाएगा दोस्तों। देखिए इसको लगा दीजिए, इसको अभी से लेके आपको फरवरी आखिर तक लगाना है। मार्च महीना का टाइम थोड़ा गर्मी ज़्यादा आ जाता है, तो उस समय नहीं लगेगा दोस्तों, तो उस समय मत लगाइएगा। जो भी कटिंग लगाना है आपको इसी समय लगाना है। अभी अपने पास 1.5 महीना टाइम है, 1.5 महीना के अंदर में लगा दीजिएगा। गर्मी के टाइम में गुलाब का पौधा कटिंग नहीं लगता है, तो ऐसे करके लगाइए दोस्तों, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद लगाने के बाद पानी डाल देंगे और इसको छाया में रख देंगे, जहाँ पर 1-2 घंटे, जहाँ पर एकदम धूप नहीं लगता होगा, रूम के अंदर भी नहीं, और जैसे पेड़ के नीचे रख दीजिए या शेड के अंदर रख दीजिए या कपड़ा ढक दीजिए, एकदम धूप में नहीं रखना है। कम से कम 20-25 दिन 30 दिन टाइम लगेगा, इसमें जड़ आ जाएगा। और उसके बाद में इसके बीच बीच में आपको अभी तो रोज़ पानी डालना है, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन पानी डालना है, ज़्यादा पानी डालने से बिगड़ जाता है। उसके बाद इसमें डालना क्या है देखिए दोस्तों, ये 19-19 3 बार करके आता है, इसको ले लीजिएगा। इसको लेके इसमें मैं मिला लिया हूँ, और कभी कभी हफ्ते में दो बार इसको स्प्रे कीजिएगा। इसको हफ्ते में दो बार ऐसे स्प्रे कर देने से इससे क्या होगा, एनर्जी मिलता है, पौधे मजबूत रहता है और जड़ जल्दी आता है। तो ऐसे करेंगे तो आपका एक भी पौधा ख़राब नहीं होगा दोस्तों। और इसको एकदम से पास से जैसे ढकते हैं ना झिल्ली से, उस टाइप ढकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बार बार आप निकालेंगे, कटिंग करेंगे बार बार निकालेंगे, पानी डालेंगे, फिर ढकेंगे, तो ये पौधा ना हिल जाएगा, हिलने से ना पौधा में जड़ जल्दी नहीं आता है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं दोस्तों यहाँ मैं रख दिया हूँ, अब इसको दिखाऊँगा 20-25 दिन बाद किस टाइप का इसमें जड़ आया है दोस्तों ये देखिए 25 दिन हो गया है, खूब बढ़िया इसमें नया नया ब्रांच आ गया है। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना अच्छा इसमें जड़ आया है। देखिए दोस्तों इसमें जंगल भी आ गया है, चाहे 1-10 दिन से हम नहीं थे तो लड़के लोग पानी डाल रहे थे, तो इसीलिए जंगल नहीं निकाले हैं। तो इसको मैं एक एक चीज़ निकाल के दिखाऊँगा दोस्तों, ये देखिए सब में बहुत आसानी तरीके से जड़ आ गया है। देखिए दोस्तों इसमें छोटा छोटा कीड़े भी लग गए हैं, दवाई नहीं डाला है, तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से जड़ आ जाता है दोस्तों। हर समय नहीं लगाना है, गर्मी के टाइम नहीं लगाना है इसको, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से आप लगाइए, एक भी पौधा नहीं खराब होगा। अब इसको लेके आप छोटा छोटा झिल्ली में, मैं बताऊंगा भर के कैसे लगाना है, या आपके पास गमला है तो गमला में लगाइए, लेकिन 10 नंबर 8 नंबर गमला में लगाइएगा पहले। गमला होगा 8 नंबर 10 नंबर पहले उसमें लगाइएगा, एकदम से बड़ा गमला मत लगाइएगा। अब हम लोग तो क्या झिल्ली में लगा देते हैं इकट्ठे, और लगाने के बाद फिर उसको तैयार करते हैं, उसके बाद लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ऐसे करके आप लगा सकते हैं।
एकदम से बड़ा गमले में लगा देने से पौधा खराब होने का डर रहता है, मुरझा भी जाता है, तो एकदम से बड़ा गमले में नहीं लगाना है, छोटे छोटे गमले में लगाइए ठीक रहेगा। ऐसे करके लगा दीजिए, एक हफ्ता 10 दिन छाया में रखना है, उसके बाद आप पूरा खुले धूप में रखिए, कभी भी छाया में मत कीजिए, गर्मी हो चाहे कोई दोस्तों गर्मी हो या कोई भी दिन हो, गुलाब को हमेशा धूप में रखिए, बस पानी डालते रहिए, एकदम से धूप में रखे हैं, एकदम से छाया में गर्मी के दिन रख देने से गुलाब का सिस्टम बिगड़ जाता है, ये सब चीज़ नहीं करने दोस्तों। और कटिंग लगाने का सिस्टम बता दिया हूँ, ऐसे करेंगे, ऐसे करने से आपका एक पौधे से बहुत सारा पौधा बन जाएगा दोस्तों। ऐसे ही नया नया वीडियो लेकर आता हूँ, अगर बिना वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नया वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।